हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। जेई मेन का पेपर आने वाला है, सो पहले तो बेस्ट ऑफ लक। दूसरी चीज़ ये कि बहुत टाइम किल नहीं करूँगा, लेकिन कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। एग्ज़ाम में आपको उसका ध्यान रखना है। आपको बहुत सारे लोग बहुत सारे प्रिपरेशन के ट्रिक्स ऑलरेडी दिए होंगे, प्रिपरेशन से रिलेटेड टिप्स दिए होंगे, है ना, बहुत सारी बातें बताए होंगे। बट मैं भी कुछ आपको ऐसी बातें बताना चाहता हूँ जिनका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। महत्व मतलब बहुत ज़्यादा महत्व है इनका, क्लियर है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, वो कौन सी गलतियाँ जो कि हमें जेई मेन में नहीं करनी चाहिए, जेई मेन के एग्ज़ाम में, जिससे कि हमारा परसेंटाइल स्कोर ख़राब ना हो। तो देखिए, सबसे पहली गलती जो जनरली बच्चे करते हैं, वो अपने फेवरेट सब्जेक्ट के पीछे भागते हैं, जो कि मानिए या ना मानिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। क्योंकि ये मेरे साथ भी हो चुका है, मैं आपको बता रहा हूं, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स था, बट उसके बावजूद मेरे फिजिक्स में 49 मार्क्स आए थे, और केमिस्ट्री फेवरेट सब्जेक्ट नहीं होने के बावजूद मेरे 100 नंबर से ऊपर आए थे उसमें, जेई मेन में, आउट ऑफ 120, ठीक है, जो कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स है। लेकिन मैं बच गया, मैं अच्छा सर्वाइव कर पाया। उसके पीछे कारण क्या था, वो कारण ये मैं समझाता हूं आपको। होता क्या है कि हम फेवरेट सब्जेक्ट करने जाते हैं तो हमें लगता है कि मान लो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स है तो मैं मैथ से ही करूंगा, या फिर मान लो मैं तो ठान लिया हूं कि मैं केमिस्ट्री से करता हूं तो केमिस्ट्री ही करूंगा। तो उसमें प्रॉब्लम ये होती है बेटा कि मान लो जिस साल तुम पेपर देने गए उस साल केमिस्ट्री ही सबसे ज्यादा कठिन आया और मैथ्स बहुत ही ईजी आ गया, लेकिन तुमने मैथ्स को लास्ट तक देखा ही नहीं, या फिर मैथ्स को तुमने 30 से 40 ही मिनट दिए, तुमने केमिस्ट्री भी ज्यादा इस टाइम स्पेंड कर दिया, तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। सो इस बात का ध्यान रखना है कि हमें उस सब्जेक्ट को वहां पर चूज करना है एक बार पेपर का ओवरव्यू लेने के बाद, जो ईजी होगा। मतलब कभी भी ये मत सोच के जाइए, ठान के मत जाइए, क्योंकि जो भी आप प्लान लेकर जाएंगे वहां पर चलते नहीं हो प्लान्स, वहां पे आपको इंस्टेंटली चीजों को देख करके प्लान बनाना पड़ता है। इसलिए पहले तो ये माइंड में रखिए मत कि भैया मैं मात्र केमिस्ट्री लगाऊंगा पहले, या मैं पहले फिजिक्स लगाऊंगा, नहीं, हमें कोई भी सब्जेक्ट उठा सकते हैं बेस्ड ऑन कौन सब्जेक्ट इजी आया है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भैया कौन सा क्वेश्चन में नंबर आया ये मैटर नहीं करता, नंबर कितना आया ये मैटर करता है। सो इसीलिए आपको इजी इजी क्वेश्चंस पिक करने हैं, जानबूझ के मैं हरदम बोलूंगा कभी भी एक साइड से लगातार क्वेश्चंस कभी अटेम्प्ट नहीं करिए कि आप पहले पहला करेंगे फिर दूसरा करेंगे फिर तीसरा करेंगे, नहीं आप छोड़ेंगे नहीं, नहीं आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस भी आप पूरा एक साइड से करेंगे ना। क्योंकि देखिए बोर्ड एग्जाम में जो बच्चे बोर्ड एग्जाम देकर के आए होते हैं वो भी कई बार बहुत अच्छा कर लेते हैं उन बच्चों से जो कोचिंग बड़ी भयानक कोचिंग करके आए होते हैं, बड़ी तैयारी करके आए होते हैं, उसके पीछे मात्र कारण होता है। बोर्ड वाले बच्चे जानते क्या करते हैं, ये क्वेश्चन मेरे से बनता ही नहीं, मैं तो छूंगा ही नहीं, मैं सीधा सीधा इजी वाला पिक करूंगा, क्योंकि मिनिमम कम से कम नहीं तो उस पूरे पेपर में 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि बहुत इजी होते हैं, मतलब मात्र एनसीईआरटी की लाइंस को ऐसे उठा के पुट कर दिया होता है। तो हमें वही क्वेश्चंस छांटने हैं, वही क्वेश्चंस पिक करने हैं, उसके बाद हम थोड़ा मीडियम लेवल के क्वेश्चंस के लिए जाएंगे, फिर उसके बाद हम टफ क्वेश्चंस के लिए जाएंगे। कभी भी भूल करके भी एक साइड से करने के चक्कर मत पड़िए। और सबसे इंपॉर्टेंट, प्लीज कभी भी कोई कठिन क्वेश्चन फंस जाता है तो ऐसा ही इस लालच में ना पड़िए कि मैंने तो 2 मिनट दे ही दिया है, चलो 2 मिनट और दे देते हैं शायद तक ये क्वेश्चन हो जाए। नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, इसका आपके पास वहां समय नहीं है, क्योंकि पता चला आप एक ही क्वेश्चन में फंसे रह गए, 50 मिनट उसी में निकाल दिए। अरे भैया ऐसा नहीं करना है, जनरली ऐसा होता नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा जरूर रहता है कि एक क्वेश्चन में 10 मिनट भी निकल जाते हैं, पता नहीं चलता एग्जाम में, हम एकदम घुस जाते हैं उसमें लगाने में, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक क्वेश्चन आपके और 4 क्वेश्चन का टाइम खा लिया ना, इसकी वजह से 100% आपका परसेंटाइल स्कोर डाउन होता है। क्लियर है, ये बात को आप ध्यान रखना है। सो कभी भी कठिन क्वेश्चन में आपको फंसना नहीं है, गॉट इट। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझाए, पहला कभी भी फेवरेट सब्जेक्ट या फिर भी एक प्री प्लान्ड मत जाइए कि मैं यही सब्जेक्ट करूंगा, पहले वहां जाके देखिए कौन सा इजी है उसको फॉलो करिए, उसको उसके लिए आगे बढ़िए। दूसरा, इजी क्वेश्चंस पिक करने की आदत डालिए और इजी क्वेश्चंस पिक ही करिए एग्जाम में, क्योंकि बोर्ड वाले बच्चों का एग्जांपल देखिए ना आप, वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, कई बार आराम से 100-150 नंबर ला लेते हैं। उसके पीछे कारण क्या होता है, उन्हें पता रहता है कि भैया हम तो ये बन ही नहीं रहा, इजी वाला हमें करना है ना। और तीसरा भैया, किसी क्वेश्चन में फंसना नहीं है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये, जिस मतलब बहुत सारे बच्चे इससे जूझते रहते हैं लेकिन आपको नहीं जूझना एग्जाम में। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भैया इंस्ट्रक्शंस ऑलवेज पढ़िए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई हमारे मन में यह है कि जेई मेन का पेपर है, हमें तो पता है कि +4 -1 होगा, तो भैया हम इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे नहीं, ना ना ना, नेवर नेवर। आपको एक एक इंस्ट्रक्शंस टू द पॉइंट पढ़ने चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि किस इस बार OMR कैसे फिल करनी है, फिर इस बार जो आपने आंसर मार्क करने वहाँ पे ऑनलाइन में उनको कैसे मार्क करना है, या फिर किसका क्या महत्व है, हो सकता है कि वो इस साल चेंज कर दे। फिर कई बार ऐसा हो जाता है कि इंटीजर टाइप में 99.9 कंसीडर होगा, या फिर उसको 100 लिख सकते हैं, या फिर 99.0 लिखना होगा, क्या लिखना होगा, इससे रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस कई बार दिया रहता है। और एग्जाम में आपने ये सब नहीं देखा, अपने हिसाब से आंसर मार्क कर दिया, फिर बाद में आकर के घर में बैठ के रो रहे हैं, अरे साला हमसे तो गलती हो गई यार, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो इसीलिए मेरा सजेशन है कि इंस्ट्रक्शंस पढ़िए, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं आपका बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। एंड
लास्ट जो पांचवा पॉइंट है कि इंटीजर टाइप क्वेश्चंस को कभी भी छोड़िएगा मत, चाहे कुछ भी हो जाए। यदि उनमें माइनस मार्किंग नहीं है तो प्लीज़ उन्हें कभी भी मत छोड़िएगा। नहीं बन रहा है तब भी अपने मन से लाइक 5 या 6 या 8 या 9 कुछ ऐसा मार्क कर दो वहाँ पे, लेकिन उसको छोड़ना मत। क्लियर बच्चा पार्टी, इस बात ध्यान रखिएगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि मैं इन सबको लास्ट में पूरा सम्मिलित करके बोलना चाहूँगा वो ये है कि भाई देखो यार, 10 क्वेश्चन कर रहे हो जिनमें से 6 गलत हो जा रहे हैं, 4 सही हो जा रहे हैं, उसकी बजाय आप 10 क्वेश्चन ना करिए, आप मात्र 5 क्वेश्चन करिए लेकिन 5 के 5 सही कर दीजिए, आपका स्कोर इस केस में ज्यादा आया है ना। जिस केस में आपने 10 क्वेश्चन किए भले उसमें से आपके 4 सही हो गए 6 गलत हो गए, या फिर हो सकता है कि आपके 6 सही हो जाए लेकिन 4 गलत हो गए। तो मेरा एक सजेशन है कि आप सही के पीछे ज्यादा भागिए, मतलब कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए लेकिन जिनको अटेम्प्ट करिए वो पूरा श्योर शॉट आपके सही हों, ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। इस तरह में आपके मार्क्स क्या उतना घटते नहीं है, बढ़ते हैं। क्लियर है बच्चा, इस बात ध्यान रखिएगा। सो ये सारे पॉइंट्स थे जो मैं आपका एक बड़ा भाई होने के नाते आपके साथ शेयर करना चाहता था। होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू गाइस, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए अभी के अभी। थैंक यू।